हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीवीआर स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? सब कुछ ठीक है ना? एकदम मस्त दिख रहा है। अभी अभी आप आ रहे हो ना पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल से, और कुछ बच्चे यहाँ पे पहले से जुड़े थे, अंकित कुमार, आशीष यादव, सुरैन, सभी जुड़ गए इसमें। चलो बच्चा लोग, ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखेंगे, चाहे हार जाएंगे सब कुछ ज़िंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखेंगे। रखना नहीं, रखेंगे। और आप भी चलें आगे। प्रिया गुप्ता, आशीष मेहरा, आलिया अंसारी, रंजना देवी और सोनम, अनुभव, ज्योति यहाँ भी आ गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो यहाँ पे आ गई। चलो ठीक है, तो यहीं पे तो क्लास चलने वाली है। हाँ बिल्कुल प्रिया गुप्ता जी, ये बीटीसी वाले भी मैथ देखें, क्योंकि बीटीसी वालों में भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एकदम एकदम यही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। चाहे बीटीसी डीएलएड में हो या फिर आप लोग इसी पे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मैथ यहाँ पे सिखाया जाएगा सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लाइट हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रही हो, तो बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से क्लास देखना और जाना नहीं कहीं, ठीक है? पूरा टाइम देखना। चलो सभी जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दें। मैं देखता हूँ कि आवाज़ ठीक है कि नहीं। क्लास को लाइक कर दें। मैं देखता हूँ कि आवाज़ ठीक है कि नहीं। क्लास को लाइक कर दें। मैं देखता हूँ कि आवाज़ ठीक है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ सही है। तो मैं नेटवर्क चेंज कर दे रहा हूँ, अगर कोई बफरिंग होगी तो जाना नहीं, भागना नहीं, कुछ सेकंड होगा बस। स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, आप लोग पहले से बहुत कुछ पढ़े, बताओ क्या आप गुणांक जानते हो? गुणांक तो छोड़ो, आज हम बीजगणित एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले तो आप लोग यस या नो में जवाब दो, क्या आप लोग बीजीय व्यंजक जानते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुने हो? क्या आप लोग चर अचर जानते हो, यस या नो? वेरिएबल एंड कांस्टेंट जानते हो? जो छात्र पहले से पीवीआर स्टडी में जुड़े हैं वो जानते होंगे, हाँ ना? सही ना? प्रज्ञा यादव, अंजू, आशीष, अंकित, उमेश, खुशबू, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, अभी पूरा याद हो जाएगा, क्लास पूरा देखना। देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, मुझे पता है, चूंकि लाइट कम जल रही है यहाँ पे, बिजली अभी अभी गई है तो थोड़ा सा लाइट की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो कोई समस्या नहीं है। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो अगर चाह होगी तो राह तो बनी जाएगी। चलिए हाँ, तो फिर हम लोग जारी रखेंगे अपनी क्लास को, बंद नहीं करना बिल्कुल किसी प्रकार से। निशा अहलावत जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू आपने जो कर दिया लाइक वगैरह। चलिए तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा में ए एल अल प्लस जेब्रा, मतलब वो गधा वाला जेब्रा है ना? एकदम क्लियर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बीज गणित बोलते हैं, मतलब गणित की उपलब्धि है, एक प्रकार से जान लो ये गणित का मूल है। अब ध्यान दो आप सभी, चित्तीदार घोड़ा, हाँ ठीक है, ये चित्तीदार घोड़ा में हम लोग का का पढ़ते हैं पता है आपको? देखो ध्यान दो, इसमें मुख्य रूप से होता है जो हिसाब किताब होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई, ये जड़ तक होता है, अधिकतर हम इन्हीं के आगे पीछे खेलते हैं। ध्यान दीजिए, पूजा श्रीवास्तव जी, कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है इसमें कि नहीं? भाई बच्चे काहे नहीं आए उसमें से सब यार, और सब बच्चे कहाँ चले गए? नानी के ननिहउरे गए हैं का? ये सब सब नहीं आए ना, जाने दो। तो अब ध्यान दो, मैं हाँ, नई मुसीबत बन जाती है। तो देखो इसमें हम दो चीजें देखेंगे, सबसे पहले चर और अचर। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम चर और अचर देखेंगे। अनंत जी, कमेंट तुम्हारा आ रहा है, तुम पहले मुंह बंद किए रहो, चिल्लाओ नहीं। हाँ चलो,
नेट साथ नहीं देता तो क्या करें, दुनिया ही साथ नहीं दे रही। देखो इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, हम एकदम चूंकि स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा ये बीजगणित, तो इसमें हमें एकदम शुरू से पढ़ना भी है। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलो तो बच्चा ये जान लो, जो लेटर आप देखते हो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, मतलब ये मान लो कि जड़ तक, ये क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। चर मीन्स होता है वेरिएबल्स, इनके मान जो हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं अपना फायदा देख के, आप समझ रहे हो ना, जैसे कुछ इंसान होते हैं उसी तरह से ये भी होते हैं, ये चर पद हैं। तो अगर कोई ऐसा बदलने वाला है तो उसको चर बताना, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है, चर। लेकिन अचर का मतलब क्या है, अचर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे जो भी गिनती है ये अनंत तक, कहाँ तक है भैया, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट या अचर पद कहलाते हैं। अगर इधर हम पहले की तरफ बात करें तो ये पहली कंडीशन इसका आप देख लिए हो। दूसरे में आप ये जान लो कि चर पदों की संख्या निश्चित होती है, कुल 26 होती है। कितनी होती है, कुल 26 होती है। आनंद जी तुमको मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ, तुम परेशान मत रहो, हाँ ठीक ना, तुमको ब्लॉक कर दे रहा हूँ, तुम बिल्कुल हैरान मत रहो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, पढ़ना लिखना तो है नहीं। देखो इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या अनिश्चित होती है, क्या होती है, अनिश्चित होती है, इनका कोई लिमिट नहीं होती है कितनी होती है, ठीक है, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो अच्छे से। इनकी संख्या अनिश्चित होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं है इनकी, क्योंकि इनका कोई लिमिट है ही नहीं, ये अनिश्चित होती हैं। आगे देखते चलो, बस ऐसे करड़ी की संख्याएं बताएंगे, करड़ी की संख्याएं किस प्रकार की हैं अनुभव जी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या है, बहुत ही अच्छे से समझना। जोड़ना घटाना इनका आप सभी जानते हो, हम थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे आ जाएं। जैसे मान लो चर पद में आपको कुछ भी जोड़ना हो तो आप सीधा सीधा नहीं जोड़ोगे, इसमें बहुत सारे पचरे करने पड़ते हैं, बहुत सारे झंझट होते हैं, वो चीज़ आपको देखना है। देखो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम बोलें कि 5 में 3 जोड़ो तो क्या होगा, आप सभी बता लोगे ना, जल्दी से बताओ। अगर हम बोलें कि 5 में 3 जोड़ो तो सभी कह दोगे कि भैया 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ए में ए जोड़ो तो क्या होगा, देखो प्रज्ञा यादव का उत्तर भी आ गया, तो जो बच्चे हैं ऐसे कुछ जिनको ये सब आता है लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं, इसमें रिवीजन होगा, बहुत सी चीज़ें नई भी सीखने को मिलेंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैंने पिछली क्लास में ना बताया हो, सब एक ही क्लास में थोड़ी बता देते हैं। आगे चलें, अपरजिता विश्वकर्मा, सोनम, रिशु, रंजीत, चलिए तो देखो जैसे अगर हम आचर वाले में करते हैं, आचर पद में 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11 होता है, उसी तरह से अगर हम चर में बात करें तो ए में ए जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ हमें सीखना है, यही चीज़ हमें क्या करना है, सीखना है। कोई बात नहीं करेगा, ईमानदारी से देखो, बोलना मत। तो इसमें क्या होता है, इसको जोड़ोगे तो 2a होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो बच्चा, ये 2a होता कैसे, आखिर क्यों होता है। देखो एक्चुअली सबसे पहले आपको इसमें गुणांक जानना है, गुणांक और घात, क्योंकि यहाँ पे सारा खेला गुणांक और घात की होती है, और उसमें से चर पद का भी अचर पद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ ध्यान से समझो, कोशिश करो कि मतलब क्या है पूरा कहने का, वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो।
तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 9x3, इसमें सभी बच्चे बताओ व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का गुणांक बताइए। आशीष पांडे, मैं वही तो कर रहा हूं ना भैया, वही तो कर रहा हूं ना, देखो ध्यान दो, मैं वही चीज बता रहा हूं। इसमें अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो यक्स का क्यूब है, मतलब यक्स है। अगर इसके गुणांक की बात करें कोफिशियंट की, तो बच्चा 9 है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं चर पद होते हैं, उनके साथ में जो लगा हुआ अचर पद होता है वही गुणांक होता है, वही कोफिशियंट होता है। तो ये 9 क्या है, इसमें गुणांक है। और अगर घात की बात करें तो जो चुरकी पे बैठा होता ऊपर, वो घात होती है। क्या होता है? ये घात होती है। तो घाता का है भैया 3 है, ये आप जान गए। तो जोड़ने में हमें क्या क्या देखना है, देखो ये तो जोड़ में कुछ नहीं देखना है, उल्टा पुल्टा सीधा जैसे मर्जी वैसे जोड़ दो पटक झटक के, जुड़ जाएगा। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा ऐसे, उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। तो देखो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, बच्चा लोग ध्यान दो। कोई बताएगा कि कोई भी दो चर पद जोड़ने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? जिनको जिनको पता है जल्दी से बता दो कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर ऐड करना है या मल्टीपल करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या क्या होना चाहिए। देखो जोड़ने के लिए क्या क्या शर्तें हैं ध्यान दो। नंबर एक, चर समान होना चाहिए। क्या हो बच्चा? चर समान हो भैया। नंबर दो क्या होना चाहिए? घात समान होनी चाहिए, घात समान हो। नंबर तीन का समान हो भाई, चर समान हो, घात समान हो, बस इतना ही। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए तो एक मैं सवाल यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग उसका जवाब दोगे, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हैं। चर समान होना चाहिए, घात समान होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो बच्चा लोग ये देखो, अगर हम लिख दूं 3a^5 + 2a^5 तो बताओ कितना होगा। एक बात यहाँ पे और लिख लो नोट, जोड़ने पर या घटाने पर, लेकिन हमें जोड़ का सिर्फ जानना है अभी, जोड़ने पर घातें नहीं बदलती, घातें नहीं बदलती, जो रहता है वही घात लगा दी जाती है, उत्तर में भी फाइनल वही घात हो जाती है। रविंद्र यादव, मैथ नहीं आता है तो इसका गुणगान करने से नहीं आएगी, पढ़ाई करो। हाँ क्लास तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ोगे तो आएगा, और चिल्लाओगे बैठ के नहीं आता नहीं आता तो कबो ना आएगा। चलो तो ये बात तो तुम सबको पता है, सभी जानते हो, उत्तर भी आ गया बहुत से बच्चा लोग का। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। खुशबू गुप्ता, नीतू बघेल, रूपा माझी, ज्योति, ठीक है, वेरी गुड। ये सबको पता है, गुणांक है 3, इसमें गुणांक है 2, 3 2 होता है 5। हम गुणांक गुणांक जोड़ लेंगे, फिर जितनी घात लगी है जो चर है उसको ऐसे लगा देते हैं, यही तरीका होता है जोड़ने का। ये तुम सबको पता है, सबको पता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। अपरजिता विश्वकर्मा का भी आ गया भैया, ये अर्पिता जी हैं का, अपरजिता लिख ली, इधर दिख रहा है ना। अच्छा यहाँ से अगर मैं चुपके से एक दे दूँ, 9x^-3 और +x^3 तो क्या होगा ये? चलो ट्राई करो, सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, ऐसे बेमानी करने से काम नहीं चलेगा, जल्दी बोलो। जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी जवाब देंगे, और क्लास को लाइक करो, मैं बोलूं नहीं तो नहीं करोगे का भाई? जल्दी करो, तुरंत लाइक करो ना यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रही फिर। जल्दी सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, देर ना करें, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट जल्दी।
चलिए अब ध्यान देना, ध्यान देना क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों जुड़ेगा तो 9 और ये क्या हो जाएगा 10, लेकिन कौन कह रहा कि जुड़ेगा, ये जुड़ेगा क्या, ये जुड़ेगा, देखो बहुत से बच्चे जोड़ रहे हैं, 10 की घात कुछ लगा दे रहे हैं, कोई कुछ लगा दे रहे हैं, घात बराबर है क्या, घातें बराबर हैं क्या, पहले ये बताओ घातें बराबर हैं भैया, देखो ये 1/9 x^3 है, और बच्चा ये 1/3 है, ये ऐसे है ऐसे, आप समझो ये अब रियल होश में आ रहा है, माइनस लगी है घात में, नहीं देख रहे हो का, तो काहे डायरेक्ट जोड़ ले रहे हो, दफ दफ लिख दे रहे हो, ऐसे करोगे आंख मूंद के तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीपल करो इसमें होगा, ये कभी जुड़ेगा ही नहीं, सीधा सीधा नहीं जुड़ेगा, वो चीज़ भूल जाओ कि जुड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, अगर इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, हाँ ये जुड़ 10 वर्ष जो लोग कर रहे हो, ये गुणा का चिन्ह होता तो होता कुछ, गुणा का चिन्ह करते तो इसका मान कुल मिला के 9 आ जाता, बस सिर्फ 9, वो मैं बताऊंगा गुणा में पहुंचो तब, चलो तो ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, घाते बराबर होनी चाहिए, बराबर का मतलब चिन्ह भी बराबर हो, ऐसा नहीं कि वो एक्वा माइनस हो तो एक्वा प्लस हो, माइनस प्लस में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो और कुछ सवाल हैं यहाँ पर, अब मैं आपके किताब में चलूँ अगर, तो आप लोग उनको लेके चलो, हाँ ध्यान दीजिए, अभी तो मैंने गुणा तो सिखाया नहीं आप सबको, तो पहले मैं एक और जोड़ दे देता हूँ, 3 a^5 \5c और \a^5 और \2c, इसको अगर मैं जोड़ने को बोलूं तो सबसे पहले कौन बताएगा, उमेश कुमार मौर्य जी आप ही बता दीजिए, इनको जोड़ के कितना आएगा, इकवा का होता है, इकवा मतलब आप जानते नहीं हो अभी तक, तो फिर कहाँ पढ़े हो यार अभी तक नहीं जानते हो, तो चलो जल्दी बताओ इसका, अगर आप सम करोगे एड करोगे तो कितना आएगा, जल्दी करो फटाफट बताओ, आगे चलें, चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना एक प्रकार से सभी बच्चे, इनको अगर जोड़ना है, देखो आशीष कुमार ने उत्तर भी दे दिया, यश भाई राहुल नीतू सबका लगभग उत्तर आ रहा, उमेश का आ गया, अपरजिता का आ गया, अपरजिता ही इनका नाम है, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सही लिखा गलत, चलो देखो भैया इसमें जो 3 a^5 है इसका सजातीय पद अगर ढूंढोगे आप प्यार से तो 1 a^5 मिलेगा, 5 c^2 c वाला मिलेगा, तो पहले सजातीय पद इकट्ठा कर लो, जो जो एक जैसे स्वभाव के हैं उनको इकट्ठा ला के पटक दो, फिर इनको देखो इनका कोई रिलेशन बन रहा है तो बनवा दो, चलो देखो क्या रिलेशन बन रहा है इनका, इनका गुणांक 3 है इनका 1 है, तो भैया 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा बच्चा, और 1 a^5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है जोड़ने पर घातें नहीं बदलती हैं, जोड़ने पर घात में कोई बदलाव नहीं होगा, उसके बाद 5 c में 2 c जोड़ोगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा, 5 2 7 c, अब ये नहीं हिलेंगे चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये हिलने वाले नहीं है, इसका आंसर इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये विजातीय पद है, एक में सी है एक में ए है, उसमें घात 5 है उसमें कुछ और है, ज्योति कुमार है आपकी कुमारी है, ये बताइए आ रहा समझ में ना, जो भी हो कुमार कुमारी आ रहा कि नहीं पहले ये बताओ, आ रहा है, चलो अब देखो ध्यान दो, अब ये तो आप कर लोगे, अच्छा ठीक है, अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं, इसमें स्क्वायर लगा दूं तब क्या होगा, बताइए जवाब दीजिए, भाई आशीष कुमार जी नहीं मजा आ रहा है तो आप मत पढ़ो ना यार, का है कि चाहते हो ब्लॉक कर दिया जाए, प्लीज आपसे निवेदन है आप जाओ मत पढ़ो,
15 अक्टूबर से कंपटीशन की क्लास चलेगी आपकी पीवीआर स्टडी 2.0 पे, तो वहाँ पे आप पढ़ना, ठीक है। पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 2 पर चलेगी कंपटीशन वाला, तो वहाँ पे पढ़ना, क्योंकि मज़ा वहाँ आता है जहाँ नाच गाना होता है। यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो यहाँ मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, ये मज़ा वाली क्लास ही नहीं है। तो आप दोबारा कमेंट मत करना, चलो चलिए आगे चलें। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो अपना या तो इंटरनेट तेज करें या क्वालिटी चेंज करें, दोनों में से एक करें, क्योंकि हमें एकदम क्लियर आ रहा हमारी स्क्रीन पे। इसका एक नया आंसर आएगा, वो क्या है देखो, यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5c का स्क्वायर आएगा और धन 2c आएगा, ये नहीं जुड़ेगा फिर उसमें, भूल जाना फिर जोड़ने के लिए, जुड़ेगा नहीं, ये इसमें नहीं जुड़ेगा, समझने की कोशिश करो। आगे चलें, चलिए। इकता मिश्रा जी, 7c नहीं आएगा, गलत है। देखिए यहाँ पे जी घात 2 है, यहाँ पे सी का पावर 1 है, तो घातें अलग अलग हैं तो जुड़ता नहीं है। मैंने बताया था ना, जब उसमें एग्जाम्पल बताया था, क्या बताया था बताओ। मैंने ये बताया था कि जिन लोगों में गुण धर्म समान होते हैं, चाहत पसंद एक तरह होती है, उनमें दोस्ती हो जाता है। अरे आप लोगों में, इंसानों में भी प्यार हो जाता है, तो वैसे इनमें भी है। इनकी घातें अलग अलग हैं, इनका सब सिस्टम अलग अलग है, इनकी सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं एक में, समझ गए ना, ऐसे ही समझ लो कुछ, और आगे क्या बताएं इससे ज़्यादा। चलो तो इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल दें, ध्यान दीजिए, ये क्लास सिर्फ बेसिक मैथ सीखने वाले बच्चों के लिए है, जिनको मैथ आती है, जो मैथ में ये सब जानते हैं, ये उनके लिए नहीं है। हाँ, फिर भी अगर वो चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना, रिवीजन कर सकते हैं। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर, जाने दो, देखो बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं है, सबको होना चाहिए। 5a^7 और धन 1/5 और धन 2a^7 और धन 3a^4, इनको अगर कहा जाए कि जोड़ो सबको तो क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। भाई अनुभव जी, आप परेशान मत हो, आप केवल इसी में दिमाग लगाओ बस। आशीष मेहरा जी, उजाला जी नाराज हैं कि नहीं नाराज हैं वो आप बाद में समझना, पहले आप सवाल देखो आपको आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सब नाराज हो जाएंगे तुमसे, इसलिए तुम पहले पढ़ाई कर लो। और अभी तुम कक्षा 9 में पढ़ते हो, बड़ी सोचनीय बात है कि तुम बड़ी फिक्र करते हो सबकी। चलो इसमें सजातीय पद को इकट्ठा करो, तो 5a^7 और फिर ये 2a^7, देखो जो सजातीय पद हैं उनको इकट्ठा करोगे, है ना, जो सजातीय पद हैं उनको इकट्ठा कर लो। ये मैंने a वाला इकट्ठा कर लिया, 7 वाला, अब 1/5, लेकिन इसका बेचारे का और कोई नहीं है दुनिया में, अकेला है, तो क्या करेंगे हम, अब जो अकेला अकेला है उनको एक जगह लिख लो और जो डबल डबल है उनको इकट्ठा लिख लो। अब देखो इसमें कौन कौन जुड़ेंगे, जो सजातीय पद हैं उनमें प्रक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, कुछ ना कुछ होगा, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो ना, जब दो जुड़ते हैं तो 3 बनते हैं ना, देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कैसे होगा ध्यान दो, ये माइनस है या प्लस है, तो अब मुझे ये बताओ, माइनस का 5 और धन का 2, इसको तो आप कर लेते हो। देखो आशीष का उत्तर आ रहा है, गुड्डू का आ गया, नीतू का आ गया, उमेश का आ गया, तो भैया ये माइनस का 3 होगा, होगा ना, होगा ना भैया, चलो तो ये माइनस का 3 होगा, और घात नहीं बदलेगी, मैंने बताया था जोड़ने पे कभी भी घात में कोई बदलाव नहीं होता है, तो बच्चा लोग ये 3 जो है 1/7 ही रहेगी। अब ये बेचारे अकेले हैं, इनके आगे नाथ ना पीछे पगहा है, तो ये क्या करेंगे, ये वैसे आ जाएंगे नीचे चुपचाप शांति से, नहीं जुड़ेंगे किसी के साथ में, ये अकेले बैठे रहेंगे,
एक अघात पांच और धन तीन, एक अघात चार, क्योंकि इनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं हो रही, किसी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं ये, चलो ये अकेले रहेंगे। आ गया समझ में, छाप लो जल्दी से। सभी बच्चे छाप लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज मत भूलना, जोड़ने के लिए चर समान होने चाहिए, घात समान होनी चाहिए, और जोड़ने पर घातें नहीं बदलती हैं। ये चीजें अगर याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं सामने से हट जाता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े। अंजू सिंह, ध्रुव, उजाला, रिशु, अपरजीता, रंजना, गुड्डू कुमार, खुशबू गुप्ता, आशीष, जानवी, आर्किटेक्निकल कीवर्ड। भैया बड़ा खतरनाक नाम है आपका, तो मैं पहली बार और लास्ट बार बोल रहा हूँ। चलो छाप लिए, बहुत तेज हो छापने में आप लोग, प्रिंटर से भी तेज छापते हो। चलो जल्दी जल्दी छाप लिया करो, जिससे कि बाद में ये काम दे, देखो तो लगे कि हाँ कुछ पढ़े हैं, नहीं तो वैसे गरियाओगे पता नहीं क्या किया, एक घंटा टाइम खराब किया ना। चलो जो नहीं देखे वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखें। आशीष, तीन लोग हैं तो भैया जो भी कमेंट करेगा उसी का नाम ले रहे हैं, यही जान लो बस। अब कई लोग हैं तो मैं क्या करूं। जोड़ने वाला आप जान गए, अब मैं घटाने पे चलता हूं। ध्यान दीजिए घटाने पे। सवाल नंबर कुछ भी डाल दो इसमें, ए बी सी डी डी एफ जी लिखो। घटाने पे क्या क्या नियम होता है, जो जोड़ने में होता है वही घटाने में भी होता है। चर समान हो, घात समान हो, और घटाने पर घात नहीं बदलती है। क्या होता है बच्चा, घटाने पर घात नहीं बदलती है, घात सिर्फ जोड़ने में नहीं बदलती, घातें सिर्फ गुणा और भाग में बदलती हैं, बस गुणा और भाग में घातें बदलती हैं। तो जैसे तीन एक घात दो और माइनस दो एक घात दो, इसको घटाओगे तो क्या आएगा बच्चा, लोग ध्यान दो, आप हमेशा इसमें से क्या घटाओगे, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड जो है, क्या बोलते हैं उन्हें, गुणांक, ओनली गुणांक को घटाओगे, घात को नहीं घटाओगे बच्चा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ मिस्टर यस वाई, आपका नाम पूरा क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है, कृपा करिए बताने की। एक बात बताओ, इसमें गुणांक क्या है, तीन है, दूसरा वाले में क्या है, दो है, तीन में से दो जाएगा एक आएगा, क्या आएगा, एक, तो यहाँ पे वन लिखोगे, उसके बाद ये ए का स्क्वायर है जैसे वैसे ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे महंगाई घटे या बढ़े, नेता विधायक मंत्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको पता है कि नहीं, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको जो है ना इतना ज़्यादा कुछ मिलता है कि उनको दुनिया से मतलब नहीं होता है, और इसी वजह हम लोग को चूतिया बना देते हैं, और हम लोग चूतिया बने रहते हैं आराम से, झंडा लगा के टोपी लगा के जय जयकार करते हैं, पाँच साल बाद भाग जाते हैं लोग ना। चलो तो ये तो कर लोगे आप लोग, इसी में अगर मैं थोड़ा सा और जोड़ घटा दूं तो क्या होगा, इसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ घटा देता हूं। प्रियंका कुमारी, रंजीत यादव, बीना सिंह, जो बच्चे अभी नए नए आए हैं उनके ये ऊपर से निकल रहा होगा, उनको ये बुझाएगा नहीं कुछ भी, तो भाई रुके रहो कुछ देर तो बुझाएगा सबको। चलो अब कैसे होगा, सभी जवाब दो। एपी स्टडी, एपी पीवीआर स्टडी, भाई अनंत पांडे हो ना तुम बहुत नाम बदलते हो, हर समय नाम बदलते हो एक एक मिनट में। इस सवाल का कोई बच्चा जवाब देगा, अगर नहीं आ रहा तो नो लिख के कमेंट करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। आप लोग मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड बाद मैं बताता हूँ। एक नहीं लिखे तो गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, वन ना लिखो। सभी बच्चे जवाब दो, दयाराम, गुड्डू कुमार, अपरजिता, आशीष यादव, प्रीतम सिंह, जानवी यादव, दिव्या गुप्ता। देखिए अगर आप अच्छी कोशिश करोगे तो बेहतर होगा। एक बात और जान लो, 4 बजे से 5 बजे फिर से लाइव होगी,
4 बजे से 5 बजे और शाम को 7 से 8 फिर से लाइव होगी। तीनों में बेसिक पढ़ाएंगे और इसके आगे पढ़ाएंगे, याद रखना। ये सब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो कहो कि 4 बजे वाले में फिर यही पढ़ाएंगे, उसमें दूसरा पढ़ाएंगे, 7 से 8 दूसरा पढ़ाएंगे। इसलिए आज 3 क्लास चलेगी, तीनों देखना। ये पहली क्लास 2 से 3 चलेगी, दूसरी 4 से 5 चलेगी, फिर 7 से 8 चलेगी। तो भैया लोग इनमें देखो तो सभी सजातीय पद हैं, ये सभी एक ही बिरादरी के हैं, एक ही जाति के हैं, इनको क्या करेंगे हम एक ही पांत में बैठा सकते हैं। चलो क्या करना है हमें, पहले हमें एक चीज़ ये समझना होगा, इसमें गुणांक क्या है 3, इसमें गुणांक क्या है 2, इसमें गुणांक का है 1, इसमें का है 4। अगर आप ये गिनती का हिसाब कर लो तो आपको उत्तर वैसे आ जाए, अपने से दौड़ के आ जाएगा। चलो बताओ गिनती का हिसाब क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, देखो प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, बस यही तो करना है और क्या करना है। तो ये 3 जो है प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये बेचारा अकेले माइनस में है, तो ये जुड़ेगा 4 1 5 और 3 8, 8 माइनस 2 बराबर हो जाएगा फाइनल में क्या हो जाएगा बच्चा 6। हाँ कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब आपका उत्तर आ गया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये जो इनके चुरकी पे लगा था ये सब काहे छोड़ दिए, उनको छोड़ो मत, घफीट लाओ साथ में। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा था इसको लगा दो, ये ए स्क्वायर लगा था इसको लगा दो, इसके खोपड़ी पे ए स्क्वायर लगा था इसको थोड़ा आगे लिख लो, इसको भी लगा दो, इसको भी लगा दो, अब कुल लगा दो, बस हो गया, लगा दो साथ में। चलो इनको थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, लिखेंगे फिर उन्हीं को। ये लो ये लो, कितना आसान तरीका है ना, मतलब मेन उनका जो है उसको निकाल लो उसमें से निचोड़ के, बाद में फिर वैसे ढक दो ऊपर से, जैसे होता ना पोस्टमार्टम हुए वैसे इनका करना है। आया समझ में ना, ये सबसे मजेदार तरीका मुझे सूझा है ना, मतलब भाई गुणांक गुणांक जो है उनको जोड़ घटा लो, हिसाब कर लो, लास्ट में जो चर पद साथ में लगे उनको उनसे ला के सटा दो, बस हो गया। 6a का स्क्वायर। अपरजिता जी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल काहे कराएंगे बताइए, चलिए ठीक है करा देंगे, 7 से 8 वाली में करा देंगे, ध्यान देना याद दिलाना। चलो तो जो बच्चे इसको नहीं लिखे हैं वीडियो को पीछे करके लिख लें, और जो लिख लिए हैं ना वो बहुत बहादुर हैं। चलो वीडियो देखो आगे पीछे तो होता है ना थोड़ा मोड़ा, सभी टेक्निकल जमाने से हो ना, कोई पुराने जमाने से तो नहीं हो। चलो अब घटाने वाला ही हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे मैंने दिया 9x का घात 7 -x घात 7 -x घात 2। अब यही बता दो आप सभी क्या आएगा, बहुत आसान है, छाप लिए कि नहीं भाई, जल्दी जल्दी छापो फटाफट, देर मत करो। आशीष कुमार यादव काहे को जा रहे हो यार, गुस्सा गए का? मैं जाए सर? नहीं तुम बिल्कुल मत जाओ, हाँ सब बता देंगे। चलो ठीक है, जो 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 गुजारिश है चलो बताए रहो। 9x घात 5, ये कौन बता रहा भाई, घात वात काहे घटा ले रहे हो यार, ओ मतलब दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा रहे हो का, दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ बच्चा लोग, कुछ गड़बड़ हो रहा है आप लोग का। दिव्या गुप्ता, प्रीतम, दयाराम, ध्रुव, ऋषभ, आशीष, बस हो गया। चलो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, 1 की घात 2 है, 1 की घात 7 है, 1 के 7 है। हमने आपको बताया था कि जब बराबर घाते होंगी तभी जुड़े घटेगा, बराबर नहीं होगी तो नहीं जुड़े घटेगा। तो भैया ये दोनों घटेंगे जुड़ेंगे, ये 9 ले लो, ये 1 ले लो, ये तो पता है ना तुमको, जिनकी घात बराबर नहीं इनको ऐसे लिख दो, इनके साथ कोई सलूक नहीं करो, ऐसे लिख दो। तो 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, x घात 7 -x घात 5, अरे 5 नहीं 2 है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे x काहे लिख दिया, यहाँ ना लिखे तो यूँ लिख लो, ये लो यहाँ भी लिख लो, हो गया बस क्लियर हो गया। लेकिन अब ये दोनों नहीं घटेगा,
ये दोनों नहीं घटेगा, नहीं इसको भी घटा लो जुगाड़ से, ये नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है। तो भैया ये दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, तो आप यही जान लो कि इन दोनों का शादी ब्याह इस जमाना में जो है ना वो स्वीकार नहीं किया जाता है, कोर्ट भले कर ले। ये काहे लिए बताते हैं पता है? क्योंकि कुछ कुछ इससे रिलेटेड होता है, क्योंकि कुछ कुछ इससे रिलेटेड है यहाँ की जो कहानियां हैं थोड़ा बहुत, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम। तो ये दोनों नहीं जुड़े घटेंगे, घाते बराबर होनी चाहिए। अब ज्यादा अच्छा से काहे पढ़ाएं, सब यहीं पढ़ा देंगे तो बाद में का पढ़ाएंगे, जाने तो। चलो अब गुड़ा देखो। हाँ बाकी इस तरह का सवाल आप लोग घर पे करना। अब क्या सीखोगे? गुड़ा मल्टीपल देखो। अब वंदना कुमारी आ रहा समझ में? खुशबू गुप्ता। चलिए देखो यहाँ पे जो मैं बातें बताता हूँ ना वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होती हैं यहाँ से। अब गुड़ा देखेंगे। गुड़ा में भैया सब स्वीकार हो जाते हैं। मान लो ये हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें चाहे घात बराबर हो, चाहे नहीं बराबर हो, चाहे जैसे हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी बिरादरी से हो, सबका रिलेशन हो जाता है। देखो कैसे, जैसे पहला है ना, और हाँ सब जुड़ भी जाते हैं, संयोग की बात ये भी है, सब जुड़ जाते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ना जुड़े, चाहे जिस प्रकार की घात हो, चाहे जो हो, सब जुड़ घट जाते हैं। गुड़ा में देखो, जैसे ए का घात दुई और ए, देखो इनकी घातें तो अलग अलग हैं, ये लो घात अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, गुड़ा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे इधर बगले में ठीक सूत्र लिख लो, यदि ए का पावर यम और गुड़ा ए का पावर एन, तो भैया इसका सूत्र होता है बाबू ए का पावर एम प्लस एन, ये घातांक के नियम से आता है। अब ये मत पूछना ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, अब ये मत पूछना कि ये कैसे आता है, कहाँ से आता है और क्यों आता है। क्योंकि उसको सिद्ध करने में बहुत टाइम लगेगा और तुम लोग को इससे ज़्यादा जानना भी नहीं, अभी अभी बच्चे हो। चलो तो ए का घात तीन, समझ में आ गया ना? अब देखो एक और दूसरा देख लो छुटका वाला। अगर 3a का घात 7 और m a का घात 2, m a हम कर दे भैया a, अब इसका आंसर कोई बताएगा? दयाराम जी आप ही बता दीजिए, वंदना कुमारी, कपिल मौर्या जी आप बताइए, अभी अभी आए हो नहा खा के धो के अच्छे से, चलो बताओ फट से। सभी बच्चे बताओ, तब तक हम पानी वानी पी लेते हैं इधर साइड में, बच्चों को तो भी जानना होगा। हाँ ठीक है सभी जानना। एक बात और सुन लो, 4 बजे फिर से तैयार रहना, बीच में मैंने लंच किया 1 घंटा के लिए 3 से 4, ठीक है? 2 से 3 चलेगी, 3 से 4 छुट्टी रहेगी, 4 बजे फिर से आ जाना खा पी के, 4 से 5 फिर से आना, उसके बाद फिर से 5 से 6, 6 से 7 छुट्टी रहेगी 2 घंटा के लिए, फिर 7 बजे से 8 बजे आ जाना, ठीक ना? 7 बजे से 8 बजे फिर से आ जाना। हाँ जी बिल्कुल, एपी पीबीआर स्टडी, भाई तुम्हारा नाम मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम बहुत नाम बदलते हो दिन भर, मौसम से भी ज़्यादा जल्दी बदल जाते हो। देखो यहाँ पे ध्यान दो यार, मार्कर में थोड़ा स्याही डाल देता हूँ मैं, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, मुझे कम अच्छा लग रहा है तो तुम लोग को काहे अच्छा लगेगा ये। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, सभी बच्चे बताइए। अनुज वर्मा, आशीष कुमार यादव, देखो भैया नाम मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, जिसका नाम लेता हूँ वही गरियाता है बाद में, का मतलब है? कहते हैं ना नेकी करे तो, पहले के ज़माने में लोग बोलते थे बदी पावे, तो यही लिए हम नेकी नहीं करने वाले हैं इसलिए नाम नहीं बोलते, वो तो कभी कभी बोल देते हैं मजबूरी में एक आध लोग का बीच बीच में। हाँ तो इसको करते रहो। अच्छा एक बात और बताओ, एक छोटा सा सवाल अगर हम अलग से पूछ लें तो क्या उसमें कोई गड़बड़ है? नहीं ना? चलो बोलो। एक सवाल और है छोटा सा, वो आप लोग बता दो। ये बताओ अगर किसी भी चर पद की घात अगर शून्य लगी है तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा कि एक होगा?
यानी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो है तो उसका मान क्या होगा, बताइए। सभी बच्चे जवाब दीजिए, मैं तो इधर से आ ही डाल रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन जा रहा कि नहीं, जवाब दीजिए। दिमाग में क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ साथ साथ में। देखो कुछ तो एकदम स्टूडेंट अच्छे वाले हैं ना, कुछ एकदम शुद्ध अच्छे हैं, तो कुछ तो शून्य बता रहे हैं, कुछ वन बता रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वन बता रहे हैं, और जो थोड़ा अभी कम समझदार हैं वो शून्य बता रहे हैं। इकाए को बह रहा है यार, ज्यादा भी अच्छा नहीं होता कम भी, देखो अभी बह रहा है। चलो तो जो जो शून्य बता रहे हैं उनका गलत है, वो दिमाग में अपने जो पुरनका सिस्टम है ना उसको निकाल के बाहर रख दें, नया वाला अपडेट कर लें कि किसी भी वेरिएबल की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान एक होता है। इसको कौन कह के गए थे, इसको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के पिताजी बताए थे। अब उनके पिताजी कौन थे ये मत पूछना। चलो जैसे यक्ष का पावर शून्य है तो इसका मान वन होगा, अगर बी का पावर शून्य है तो इसका मान वन होगा, अगर टी का पावर शून्य है तो इसका मान वन होगा। कोई भी नंबर, नंबर तो नहीं बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर जिसकी पावर शून्य होती उसका मान एक होता है, इसको याद किए रहना। अब आगे चलते हैं। भाई रंजीत यादव जी क्या कहना चाहते हो, 50 बंदे दलोगे भेगा, क्या लिखे हो यार भाई, मजा नहीं आ रही, पता नहीं क्या लिख दे रहे हो, फारसी हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो, क्योंकि हम लोग तो हिंदी इंग्लिश यही जानते हैं, इंग्लिश तो नाम है मात्र का, हिंदी जानते हैं। तो याद रखना किसी भी अगर वेरिएबल की पावर क्या है, शून्य है, तो उसका मान एक होता है। अब आगे देखो, देखते रहो, हम यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहे हैं। ये घात 5 है, इसमें अगर आप गुणा कर दोगे ए का घात 2 और इसमें गुणा कर दो ए, इसमें देखो लड़ाई ऊपर ऊपर होती है, नीचे सब शांत रहते हैं। अब जवाब दीजिए कितना आएगा। खुशबू गुप्ता जी कम मैथ आती है तो रोने गाने से काम नहीं बनेगा, क्लास देखिए हर रोज। देखिए मैं संडे को इसलिए आप लोगों के लिए बेसिक मैथ लेके आता हूँ, मैराथन क्लास 3-3 घंटे 5-5 घंटे, बाकी सुबह की जीरो लेवल बंद कर दिया हूँ ना, नहीं तो पहले सुबह आती थी एक वीडियो हर रोज, अब सुबह आती है छोटा मोटा वीडियो आ जाता 6 बजे, आप सभी उसको भी देखा करो। एक बात और बता दें, जो वीडियो हम डालते हैं छोटा सा ना, उसको ये सोच के मत छोड़ दिया करो, ये तो छोटा से है भाई, देखा ना मैं छोटे लगे घाव करे गंभीर, सुने हो कि नहीं, और बड़ा देख के जो लोग देखते हैं उनके लिए जानते हो बड़ा जो देखन मैं चला। चलो आगे नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं आता, भूल गए। चलो देखो इसमें क्या होगा, गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं, हाँ तो इसको मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ छोटा वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो छोटा होता ना उसमें चीज़ें कूट कूट के भरी होती हैं, गागर में सागर होता है, इसलिए जितने भी छोटे वीडियो हैं PBR स्टडी के उनको जरूर देखोगे, उसमें कोई बातचीत नहीं मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। तो इनकी घाते जुड़ जाएंगी, ये 5, ये 2 और ये 1, तो 3 का घात ही 5 2 7 1 8, कितना आएगा, 8 आएगा ना, कितनी आएगा, 8 आएगा ना, हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो ब्रदर लोग आ गया ना आप लोग को, और सबको आया ना, ये कुछ लोग सोच रहे होंगे बी हो गया, ये बी नहीं हो गया, ये तो मैं लिखा था पहले से, इतना सवाल है नोट कर लो फटाफट, छापो जल्दी जल्दी से, तुरंत छाप लो, देर मत करो भाई, बच्चा लोग छापो जल्दी जल्दी यार, काहे को देर कर रहे हो। अंजू चौहान जी खुश रहिए, तरक्की करिए, आगे बढ़िए, और इतना आगे मत बढ़ जाइए कि दुनिया भूल जाइए। चलिए ये हो गया, इसको तो आप कर लोगे, वैसे आप गुड़ा वाला सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा दे दें तो क्या होगा, देखो भाई दुनिया बड़ी टेढ़ हो रही है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी सीख लो, सीधा रहना मत सीखो। चलो इनको कैसे करोगे, देखो इसमें कुछ उटक पटक है, अजीब सा है ना, भाग बताएंगे जल्दी बताएंगे, बच्चे देखो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ना, तसल्ली हो रही है, बच्चे आ रहे हैं तो अच्छा है, छापो जल्दी जल्दी।
देखो मैं समझाता हूँ, कुछ लोग मन मन गरिया रहे होंगे कि इनको सीधा फीधा बताना चाहिए, पता नहीं कहाँ पूछता फालतू में। देखो इसकी घात यहाँ माइनस है, इसको पहले ध्यान से देखो, तो ये ऊपर जाएगा तो खुश हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगी घात, यानी इतना ही हो जाएगा बस। और ये बेचारा पहले से ऐसे है, और ये बेचारा ना नीचे है तो गड़बड़ है, ये प्लस है यहाँ पे ना घात, ये ऊपर चला जाएगा इसकी घात माइनस हो जाएगी। देखो सब बॉर्डर पे आ गए ना, सब एक जैसे हो गए ना। हरिवंश यादव जी आप बताइए ठीक ठाक है ना, क्या बात है इतना देर में आ रहे हो। चलो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन कैसे होगा भाई, इसमें इसमें थोड़ा खतरनाक है ना। खतरनाक ये है कि इसमें गुणांक वन है, इसमें गुणांक वन है, तो गुणांक गुणांक का गुणा करोगे, टू का वन में, वन का वन में, तो भैया लोग क्या हो जाएगा फाइनल में, ये दो एक कम दो एक कम दो ही, नीचे कितना आएगा, कुल मिला के टू आएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे टू आएगा, टू मतलब दो, यहाँ पे दो आएगा, और यक्स की घात ये पांच, और इधानी पांच, और हे ही माइनस वाला पांच, ये सब जुड़ेगा याद रखना, ये माइनस में है, ब्रेकेट में माइनस लगा के लिखना। चलो ध्यान दो, अब ये माइनस रहेगा तो इसको हम ऊपर लेके चलेंगे पकड़ के, इधर दाहिने साइड, कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दिशा, पूरब पक्षों उत्तर दक्षिण, सुने हो कि नहीं, ये पहले जमाने की भाषा है, अभी हम याद कर रहे हैं। देखो 2s घात 5 +5, देखो ये प्लस माइनस दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, तो क्या होगा भैया, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो दो ठी प्लस है, एक ठी माइनस है, और तीनों बराबर हैं, तो ये क्या करेगा, एक को लेके डूबेगा, एक को लेके डूबेगा मतलब ये इसको लेके डूब जाएगा, और वो बेचारा खत्म हो जाएगा भाई, प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा तो एक तो डूबेगा ना। चलो अब देखो कैसे, तो ये 2s घात 5 बचेगा बस। इसका एक तरीका और था करने का, एक तरीका और था करने का, वो क्या था बच्चा लोग आप जानते हो, एक तरीका और था कि इन दोनों को आप जोड़ लेते तो ये घात 10 हो जाती, फिर 5 घटाते तो फिर यही आता, बात समझ में आ रही ना। प्रीति सिंह प्रतापगढ़ी, भैया ये प्रतापगढ़ी हर जगह देरे में कहे आते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे सामने भी, काहे देर से बड़ा पुराना नाता है कहाँ, यहाँ हमारे पास में भी कुछ लोग हैं ओनाऊ, बड़ा देर करते हैं सब, देख रहे हो सब घूम रहे इधर उधर। चलो ध्यान दो, अगले सवाल पे चलें, एक और देख लो यहाँ पे, 3a का घात 7 × 1 × 5 × 1 ये 1/2 का घात 3। हाँ ठीक है ठीक है, डो डोंट वरी डोंट वरी, चलो जवाब दो फटाफट कितना आएगा। हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 लिख देते हैं तो आसान हो जाएगा, चलो इसको कर लोगे ना आप, ब्लू नहीं करेंगे कमेंट, डायरेक्ट लाल करेंगे, और जो लोग लाल नहीं कर रहे ना उनका तो पता नहीं क्या कर देंगे, लाल मतलब नहीं, अरे यार मैं बोलने वाला था लाइक, सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक करो यार भाई, क्लास को लाइक करो, अभी ब्लू कमेंट मिलेगा, सबको मिलेगा, टेंशन मत लो, अभी क्लास खत्म होने के बाद लड्डू भी मटेगा आज, उसके साथ में और भी कुछ मिलेगा, पहले पढ़ लो तब ईमानदारी से, लेकिन और पक्का मिलेगा, ये मत सोचना कि ऑनलाइन है तो नहीं मिलेगा, देखो कैसे मिलता है, सब लोग के पास तक पहुंचेगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। चलो ठीक है आगे चलें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको देखो बहुत से बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी लग जाए और कितनी जल्दी मैं छाप लूं, तो चलो मैं लगा दे रहा हूं, तुम छाप लो क्योंकि अब बात करना ही मुश्किल है। ये देखो ऐसे उतार लेंगे इसको, इसको भी ऐसे उतार लेंगे, इसके ऊपर घात एक है जो अदृश्य थी, मैं उसको दृश्यमान बना दिया हूं। अब ध्यान दो, 2 की घात 3 का मतलब जानते हो, 8 होता है, क्या होता है, 8 होता बच्चा, तो इसका मतलब है 1/8 है,
अब कुछ लोग को नहीं पता होगा तो उनके भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ाया हूँ बहुत बार। हाँ ठीक है चलो। तो अब इधर साइड में देखो क्या होने वाला है। पहले हम गिनती गिनती का हिसाब कर लेंगे अचार अचार का, तो क्या होगा देखो, 2 × 1/8 तो भैया ये कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा ना, कितना आएगा 1/4 आएगा। तो कुल मिला के हम जान गए ये 1/4 होगा, और ये ना छुटका वाला पहले का लिखा है, इसको मिटा दो नहीं तो ये मिल जाएगा एक के में, गड़बड़ा जाएगा फिर। ये और ये मैंने हल कर लिया, 1/4 हो गया। अब 1^7 × 1 × 1 तो 1/4 × 1^7 × 8 × 9 ये उत्तर आएगा। देखो यार कोई भी चीज़ ना अगर बार बार मिलता ना तो उसकी कीमत नहीं रह जाती है, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो जो कीमती चीज़ होती है ना वो बार बार नहीं मिलती है, और जो बार बार मिलती है वो कीमती नहीं होती है, इसलिए हम ब्लू जो टिक देते हैं ना वो सबको बार बार नहीं देते। जल्दी जल्दी छापो। शुरू के 40 मिनट तो भैया केवल 30 बच्चे थे, और बाकी के ये 42 बच्चे नानी के ननियौरे गए थे, अभी अभी आ रहे हैं। तो अब क्लास जब बंद होने का टाइम हो गया तो ये आए हैं, तब इनके लिए हम क्या करें बताओ, इनके लिए क्या करें हम। क्लास 2 बजे से चलेगी, मैं 3 दिन से चिल्ला रहा था ना कि नहीं चिल्ला रहा था, लेकिन इन लोग को पता नहीं चलता है। चलो समझ में आया कि नहीं आया, छाप लिए। हाँ 2 की घात देखो भैया, ये ऊपर ले जाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर नीचे मत ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में घात हो जाएगी तो फिर तो वही नीचे आएगा ना वो। देखो एक बात और सुन लो, अगर इसे ऐसा करोगे माइनस में ना तो आप कर तो सकते हो, इसको आप ऐसा तो कर सकते हो, लेकिन समझो समझो, इसको आप ऐसा कर तो सकते हो, यहाँ पे लेकिन है, लेकिन का है ना कि अगर 2 का गुणा करोगे 2 का घात -3 में तो कैसे हल करोगे फिर। ये अचर पद नहीं है, चर पद नहीं है, याद रखना। ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ये दृढ़ निश्चय होता, जैसे उस दिन मैंने बताया था आपको, एक पतिवर्ता नारी एक आधुनिक नारी बताया था ना जब सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा रहा था। तो ये कौन है भैया, ये पतिवर्ता वाले में से हैं, ये बदलने वाले नहीं है किसी भी हाल में, चाहे इनकी जान ले लो। तब ये क्या होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, इनके मान कभी नहीं बदलते हैं, और ये फिर उस तरह से हल नहीं होंगे। ये सब डीपली मैंने पढ़ाया सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था ना ये। तो फिर इस तरह से इसको ऐसे लिख के ऐसे हल करना आसान है, समझ गए ना, इस तरह से लिख के हल करना आसान है। चलो ठीक है, जाने वाले तो एक दिन चले जाते हैं, क्या करोगे मिस्टर, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, रोकने की कोशिश भी मत करो। अब कुछ सवाल लिखो, इनको घर से करके लेके आना, अभी 1 घंटा के लिए लंच होगा, फिर अगली क्लास 4 बजे से होगी, 4 बजे तक सभी लोग आना, लिखो फटाफट। सवाल लिखो, जोड़िए, का जोड़िए, मैं पता नहीं कहाँ घुस गया यार, जोड़िए। पहला सवाल है -3 × 5 × x / 5 × x / 2 और धन x, दूसरा का भी जोड़ो, x / 5 × x / 9 × 7 × 2 ये जुड़े उड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। सी वाला लिखो, 1/8 x² और +1/4 x², जिनको भिन्न आती है इसको जोड़ लेंगे, जिनको नहीं आती ना वो क्या बोलें आगे वो अपना समझ लें क्या करेंगे। काय को बज रहे हो यार, किसी के लिए नहीं जिया है, बंद करो। चलो तुम लोग को गाना भी सुनाई पड़ा का यार, चलो बताओ। अगला लिखो, गुणा करो, अभी कुछ सुनाई पड़ रहा था का।
भाग बताएंगे अगली क्लास में आना, तो चार से पांच आओगे तो, चार से पांच आओगे तो भाग बताएंगे, और भाग बताएंगे तो फिर भाग भी जाओगे ना, इसीलिए अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होता है, वो थोड़ा कठिन होता है इसलिए अभी नहीं बताएंगे। गाना भी सुन लिया आप लोगों ने, समझ भी लिया, अरे वाह बड़े समझदार हो यार, चलो ठीक है। एक बटा दो यक्ष घात सात और यक्ष घात पांच, यक्ष का घात सुनना भी है इसमें, तीन यक्ष घात पांच और आगे देखो इंटू एक बटा यक्ष घात तीन। अच्छा ये बताओ ये कोई करोगे भी या फालतू हम लिख रहे हैं, स्याही खराब कर रहे हैं, करोगे ना? इतना मैथ समझ में आती तो क्या होता, अगर इतने बेवकूफ ना होते हमारे देश में तो क्या होता, सोचो कुछ ना कुछ तो हो गया होता ना अब तक, लेकिन क्या किया जाए, कोई कुछ करना चाहता ही नहीं है। अच्छा गाना चलाएं अब वही बचा ही है, अब केसारी वाला काम हम करेंगे, है ना? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे कितने बजे से आओगे याद है अगली क्लास? चार बजे से, चार बजे से आओगे तो फिर से एक घंटे क्लास चलेगी, और फिर उसके बाद आठ बजे से, सभी बच्चे आना याद रखना। कितने बजे से आओगे? अरे भाई धीमा करो यार, ठीक ना? भाई आशीष कुमार यादव उत्तर भी बता दिया, तो चलो फिर सभी बच्चे आओगे ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया जल्दी से, और वो घंटी को बजा देना जिससे कि आपके फ़ोन की भी घंटी बज सके। और वो घंटी कैसे बजाते हैं पता है आपको? रुको मैं दिखा देता हूँ, इधर साइड में देखो, पता नहीं हमारे में आ रहा कि नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ घंटी कैसे बजाते हैं फ़ोन में, देखो देखो देख लो तो जाना, देख लो तो जाना, उसके पहले नहीं जाना, देखो। हाँ जैसे भाई रुक जा, भाई रुक जा रुक जा रुक जा, गड़बड़ हो जा रहा है यार, जानते हो ना सभी भाई? अगर नहीं जानते हो तो मैं दिखाने वाला था, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हमारे यहाँ जिनको कुछ नहीं पता होता है, तो मैं उनको बताता हूँ, ठीक ना? तो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखना जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। देखो वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब ना, रेड कलर में लिखा है ना, तो क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये देखो सब्सक्राइब हो गया, और सब्सक्राइब्ड के आगे ये घंटी का निशान आता है, उस पर टच करोगे तो तीन ऑप्शन आएगा, और तीन ऑप्शन में से बच्चा सबसे ऊपर वाला क्लिक कर दोगे, इतना करोगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेगा, और बहुत बहुत अच्छी बात है जो आप लोग को पहले से पता है। तो फिर चलें, हम लोग 18 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 8 में हम लोग 18 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से आपके सामने 8 दिए गए हैं, इनको हम हिंदी में बता रहे हैं। आएंगे फिर कितना बजे से? इंग्लिश में भी बता देंगे। फिर से आएंगे चार बजे से, चार बजे से, चार बजे से, फिर से आना सभी, चार बजे, चार बजे, चार बजे।